बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसका नाम मेडिकल जानकारी पर्पज है। दोस्तों जहाँ पे हम देखते हैं दवाई के रिव्यू और उसके बारे में सब कुछ हिंदी में डिटेल में जानते हैं बिना किसी स्पॉन्सर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लड़कों में तो काफ़ी सारी टैबलेट्स आई हैं कि अगर उनमें कामेक्षा की कमी होती है या फिर उनको सेक्स प्रॉब्लम की कोई भी समस्या होती है तो उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, वो उनसे अपनी समस्याओं को हल कर लेते हैं। बट अगर एक फीमेल में, एक औरत में सेक्स ना करने की इच्छा हो या फिर कामेक्षा की इच्छा ना हो, उनमें बहुत ज़्यादा उनका नहीं मन करता हो, तो वो अगर वो क्या करें अगर उनमें ये सारी समस्याएं हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पुरुषों के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बट महिलाएं क्या करें अगर उनमें कामेक्षा की कमी हो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगे। सो इस टैबलेट का नाम है फीमेल वियाग्रा, जो आपको लविग्रा नाम से मेडिकल स्टोर पे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। आज हम इसी पावरफुल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके MRP के बारे में, बेसिक डिटेल्स में, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और ये जो टैबलेट होती है किन महिलाओं में काम नहीं करती है इस बारे में भी बात करेंगे। इस चीज़ को जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टैबलेट है किन महिलाओं में काम नहीं करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आपको यहाँ पे 300 रुपये की 4 टैबलेट कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी। इसका जो उपयोग होता है महिलाओं में सेक्स की कमी, कामेक्षा की कमी के लिए, इसका इस्तेमाल मेनली इसीलिए इसका किया जाता है। और ये कब काम नहीं करती हैं इसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करेंगे। और कंपनी अजंता कंपनी द्वारा बनाई जाती है और मार्केटिंग भी की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इस टैबलेट का जो नाम है, आपको लविग्रा ब्रांड नेम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, इसे फीमेल वियाग्रा कहते हैं। 100 mg की टैबलेट आती है। इसका जो उपयोग होता है मेनली महिलाओं के लिए किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, जिनमें कामेक्षा की कमी हो जाती है, जिसे हाइपो एक्टिव यौन विकार भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में HSDD कहते हैं। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर होना चाहेंगे तो वो आपको सामने से साफ मना कर देंगी, क्योंकि उनमें कामेक्षा की कमी हो गई है और उन्हें ये सारी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा उन्हें वीकनेस महसूस होता है, इसे ही कहते हैं SDD। इस टैबलेट में फिलबेंसेरिन पाया जाता है। इसके कंपोजिशन में ये फिलबेंसेरिन सॉल्ट है, जो क्या करता है कि महिलाओं में यौन इच्छा की समस्या को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो टैबलेट होती है किन महिलाओं में काम नहीं करती हैं, इसकी काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो पहली कंडीशन है, अगर महिला 40 से 45 से 50 साल के बीच में है और उसका नेचुरल तरीके से पीरियड आना बंद हो गया हो, तो वहाँ पे ये टैबलेट काम नहीं करेगी। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगी तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो दूसरी कंडीशन है, अगर आपको पास्ट में आपको कामेक्षा की कमी रही हो, तो वहाँ पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और जो तीसरी कंडीशन है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको कामेक्षा की कमी हो गई हो या डिसऑर्डर हो गया हो, तो वहाँ पे भी ये टैबलेट काम नहीं करती है। सो अभी तक हमने जाना इसका यूजेस और ये कब काम करती है कब काम नहीं करती है इसके बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं कि इसका डोज क्या है, सही तरीका क्या है लेने का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है, डॉक्टर हमेशा आपको रात में सोने से पहले लेने के लिए सलाह देगा, क्योंकि ऐसा इससे क्या होता है कि अगर आप दिन में इसे ले लेंगे तो महिलाओं में जो BP होता है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसे रात में लेने के लिए सलाह देता है। अब इसके बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि इसे कितने दिन तक ले सकते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इससे इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर आपको 8 वीक तक करने के लिए कहेगा, 8 सप्ताह तक करने के लिए कहेगा। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा तो आप अपने डॉक्टर से जाके बताएंगे, तो जो डॉक्टर होता है इसे स्टॉप कर देता है, आगे देने की सलाह इसे नहीं देता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं, अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी, आपको डिप्रेशन होगा, और बहुत ज़्यादा आपका मुंह सूखने जैसा लगेगा, और हाइपोटेंशन यानी कि BP लो हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये सारी समस्याएं अगर आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, फर्दर इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, बंद कर दें, डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। सो यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो।
तो इसमें यहाँ पे हमने जाना फीमेल व्याग्रा के बारे में, महिलाओं के लिए जो खासकर उपयोग की जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं, आपको यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मेडिसिन के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाय।